नमस्कार। बहुत सारे लोगों को ये परेशानी हो रही है, मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं कि जो उत्तराखंड के इंटरव्यू में, उत्तराखंड पीसीएस के इंटरव्यू में अभी डिटेल नोटिफिकेशन निकला है ऑनलाइन प्रेफरेंस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम, उसके बारे में। तो सबसे पहले कई लोगों का कहना है कि इसकी लास्ट डेट क्या है। देखो, अगर आप ये पढ़ोगे तो यहाँ पे कुछ डेट लिखी हुई नहीं है, यहाँ पे ये बताया गया है, आप पढ़ें इसको, 7 मार्च 2024 से, यानी एक डेट नहीं है, इसकी मल्टीपल डेट्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे इन्होंने 22/3 की डेट रखी है। अब देखो, 22 तक तो नहीं होगा ये निश्चित रूप से, लेकिन 22 इन्होंने क्यों रखी है जानना जरूरी है। 22 इज द लास्ट डेट जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो कहने का ये मतलब है, जो इससे समझ में आता है, कि आपकी आज से यानी 7 मार्च से खुला है, और जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तब तक इसको कर लेना है। तो ये तो हो गई पहली बात। और अपना अपना रोल नंबर आप इस डॉक्यूमेंट में देखिए कि आपको किस डेट को करना है, उसके हिसाब से ही आपको करना है। कई लोगों का क्वेश्चन ये है कि सर हम कितने बजे तक फ्री हो जाएंगे। देखिए, इसका कोई कुछ बता नहीं सकता। जो सुबह 9:30 बजे लिखा हुआ है, अगर वो 9:30 बजे शुरू हो जाता है, कई बार लेट भी होता है, तो आपको 1:30-2 बजे तक फ्री कर दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपको 3 बजे तक फ्री कर देंगे। अगर आपका दोबारा दूसरी पाली में होता है, दिन में 1:30 बजे से शुरू होता है, तो आपको थोड़ा देर में फ्री किया जाएगा। नेचुरल सी बात है कि 5-6 बजे, कभी 7 भी बज सकते हैं, लेकिन उससे कुछ लेना देना नहीं। आप पूरे दिन की छुट्टी लेकर के आइए और उसको करिए। दूसरी चीज जो इसमें दूसरा डॉक्यूमेंट निकला है, वो है चेकलिस्ट वाला डॉक्यूमेंट। तो आप चेकलिस्ट वाला डॉक्यूमेंट अगर देखेंगे तो बहुत ही सिंपल है। उसमें वो आपकी सुविधा के लिए है, इसके साथ में आप लगाएंगे, और उसमें लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति जो अभी आप भरेंगे, अभी भरा नहीं है आपने इसको, ठीक है, जिसमें पदों की वरीयता समाहित हो। पदों की वरीयता क्या है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके लिए भी आपको चिंता नहीं करनी है। फिर विस्तृत आवेदन पत्र अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ। अब देखो, यहाँ पे लिखा है प्रपत्र संख्या 2, 3 और 4, ये अलग से यहाँ पे दिए हुए हैं। इसको अगर मैं खोलता हूं तो यहाँ पे आपको अलग से एक डॉक्यूमेंट मिलता है, प्रपत्र 2, 3, 4। ये वही DAF है जो मैं आपको पहले ही एक बार दिखा चुका हूँ कि ऐसा पूछा जाता है, तो यहीं से डाउनलोड करना है। यही प्रपत्र 2, 3, 4 है, इसमें टेंशन नहीं। देखो यहाँ लिखा है प्रपत्र संख्या 4, प्रपत्र संख्या 3, 4, तो ये भरने हैं, साइन करना है, और यहाँ पर टिक मार देना है कि हाँ हमने इसको भर लिया है। हाई स्कूल की अंक तालिका यानी मार्कशीट, प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा अगर कोई हो आपका तो उसको, हो सकता है कई लोगों का डिप्लोमा, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है जो एक पोस्ट है संपादक वाली, उसमें शायद डिप्लोमा मांगा गया है, तो उसमें आप कर सकते हैं। देन स्नातक अंतिम वर्ष की सेमेस्टर की अंक तालिका, जो भी आपकी फोर्थ ईयर की होती है या थर्ड ईयर की होती है, और उसके बाद से स्नातक की डिग्री, जो कि डिग्री सर्टिफिकेट होता है। नहीं है तो यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, परेशानी नहीं होनी है उसमें। स्नातकोत्तर की अंक तालिका है, स्नातकोत्तर की डिग्री, फिर BEd अंतिम वर्ष की अंक तालिका, BEd की डिग्री जो है, कुछ पोस्ट के लिए आवश्यक हो सकती है, तो उनके लिए आपको इसको लगा देना है। अनुभव प्रमाण पत्र, तो जिस जिस पोस्ट में कोई अनुभव मांग रखा हो, या फिर आपको यूं ही दिखाना हो कि मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है और इसके आधार पर मुझसे प्रश्न हो सकता है वो पूछ ले, तो उसको यहाँ पे दिखा देना है। ये विज्ञापन में परिशिष्ट 6 है। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखो वापस जाओगे, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिखा गया है। एडवर्टाइजमेंट को आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखो एक आपका खुल गया, और इसमें आप देखोगे तो परिशिष्ट 6 करके इसके लास्ट में ऐसा आपको मिलेगा, देख रहे हैं? ये जैसे निशक्तता प्रमाण पत्र है, तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण पत्र होते हैं अलग अलग तरह के। ये परिशिष्ट 3 है, ठीक है, आरक्षित श्रेणी के लिए। वैसे ही परिशिष्ट 6 होगा, ये परिशिष्ट 4 आ गया, 5 आ गया, और ये परिशिष्ट 6 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ऐसा आपको बनवा लेना है अपने अपने ऑफिस से या अपनी कंपनी से, और उसको आपको दे देना है। इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखो, अधिमानी अर्हताओं के लिए, तो जो जो अधिमानी अर्हता है उनके लिए अगर आप कुछ देना चाहो तो ये जो जो पूछा है वो दे देना, ठीक है। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए, जहां नहीं समझ में आ रहा है एक बात आप हमको बता सकते हैं। जिसका आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण है, तो वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, महिला वगैरह वगैरह का लगा सकता है। जिसका लंबवत आरक्षण है तो वो SC ST OBC EWS का लगा सकता है, और यहाँ पे टिक मार दे, ठीक हो गया। फिर पासपोर्ट साइज के 2 नवीनतम फोटो वगैरह, और उसके बाद से लिख करके साइन करके इसको साथ में लगा देना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको परेशानी हो। अच्छा, इसी में आप देखेंगे एक
लिखा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग डिफरेंस इन नेम, ये सबको नहीं भरना है, नेचुरल सी बात है। जिन किसी को ऐसा लगता है कि उसमें कोई डिफरेंस आ रखा है आपके नाम में और आपके डॉक्यूमेंट्स में जो नाम लिखा है उसमें, तो जिस जिस डॉक्यूमेंट में आपका नाम डिफरेंस है और आपका जो अभी नाम है, हो सकता है किसी की शादी के बाद नाम में डिफरेंस आ गया हो सकता है किसी के नाम किसी डॉक्यूमेंट में गलत लिख गया हो, फर्क नहीं पड़ता उससे, तो यहाँ पर अपना नया नाम या जो भी एक्चुअल नाम है वो लिखिए, डॉक्यूमेंट में जो डिफरेंस नाम है वो लिखिए। मेरे ख्याल से मैरिड वुमेन के लिए ज्यादा रेलेवेंट होगा, सबके लिए रेलेवेंट होगा भी नहीं। और उसके बाद में आपने इस पे बस साइन कर देने, कोई एफिडेविट की जरूरत नहीं है, ये स्व घोषणा है, ठीक है, सेल्फ सर्टिफाई करके देना है। देखो कितनी अच्छी प्रक्रिया इन्होंने बना रखी है। एक क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये अभी चालू हुआ है कि नहीं हुआ है, तो भैया क्लिक करके देख लो, आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे तो अभी ऐसा कुछ चालू होता हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम है 2021 का, ये लिंक अभी एक्टिव नहीं है। हो जाएगा, 7 तारीख लिखा है, 8 तारीख तक भी होता है। आपको इसमें फर्स्ट आकर के कुछ नहीं मिलना, इससे इंटरव्यू में अलग मार्क्स नहीं मिलेंगे कि आपने सबसे पहले भर दिया, 2-4 दिन बाद भी भरोगे चलेगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं।